ओके गाइस, सो अभी तक हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें कवर कर ली है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर कवर किया था गाइस। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पेजेस एंड राउट्स के बारे में, एंड कुछ पेजेस मैं आपको बना के दिखाऊंगा एक्चुअली नेक्स्ट ईयर्स में कैसे पेजेस हमें बनाने हैं, कैसे राउट्स बनाने हैं, राउट्स के अंदर कौन कौन सी फाइल्स बनानी है, एंड अगर फोल्डर बना देते हैं तो क्या होता है, नेस्टेड राउट, इन सब चीज़ के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले। तो ये वीडियो यार इंपॉर्टेंट होने वाली है और आप बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में समझने वाले हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और गाइस, अभी तक आपने प्लेलिस्ट नहीं एक्सेस की तो कंप्लीट प्लेलिस्ट यूट्यूब पे फ्री अवेलेबल है, आप जा करके एक्सेस कर सकते हो। प्रोजेक्ट भी आने वाला है लेकिन कॉन्सेप्ट्स पहले समझ लेते हैं, देन प्रोजेक्ट्स हम लोग करेंगे, ठीक है। मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हम लोग बनाएंगे, अभी तो फिलहाल हम लोग पहले प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है गाइस, हमें बस मोटिवेट और सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के बीच में ज़रूर शेयर कर देना है। आपका नाम और आप कहाँ से हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता दीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाइस, हमें दो चीज़ें हमेशा ध्यान रखनी है कि जब भी हम नेक्स्ट ईयर्स के साथ काम कर रहे हैं तो हमारे पास दोनों चीज़ें हैं, फ्रंट एंड भी है, बैक एंड भी है, क्योंकि हम नेक्स्ट ईयर से फ्रंट एंड भी कर सकते हैं और बैक एंड भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ हमें नहीं भूलना चाहिए कि हम लोग सिर्फ फ्रंट एंड कर रहे हैं, रिएक्ट नहीं है यहाँ पे। हालांकि रिएक्ट कंपोनेंट्स हम यूज़ कर रहे हैं बट रिएक्ट नहीं है, ठीक है। तो दोनों चीज़ दो डिब्बा में यहाँ पे बना देता हूँ। ये है बेसिकली फ्रंट एंड के लिए, एंड एक डिब्बा में और बनाऊंगा वो होगा बेसिकली बैक एंड के लिए। तो आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना, यहाँ पे हम लोग फ्रंट एंड बैक एंड दोनों कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करें यार, हम लोग क्या करते हैं, लेट मी डू दैट, कि हम लोग पहले बात कर लेते हैं फ्रंट एंड के बारे में, पहले हम लोग बात कर लेते हैं फ्रंट एंड के बारे में, देन बैक एंड भी कैसे करना है वो सब चीज़ के बारे में बात करेंगे। ये सब चीज़ हैंडल होगा राउट की हेल्प से, ठीक है। तो ये बैक एंड के बारे में, ठीक है। बैक एंड की हेल्प से हम लोग क्या बनाएंगे यार, बैक एंड की हेल्प से हम लोग बनाते हैं APIs, एंड फ्रंट एंड की हेल्प से हम लोग बनाते हैं UI, ये चीज़ याद रखिएगा। तो हम यहाँ पे दोनों चीज़ बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जितने भी राउट्स मैनेज होंगे नेक्स्ट ईयर में वो सब फोल्डर के नाम के हिसाब से चलते हैं, फाइल के नाम के हिसाब से नहीं, फोल्डर के नाम के हिसाब से चलते हैं। मैं आपको बताता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे स्लैश, आपको यहाँ पे एक रूट पेज दिखाना है, जैसे आप चाहते हो वेबसाइट ओपन हो, ये रहा रूट पेज दिखाना है। तो आप ऐसा सोचो कि रूट पेज का जो राउट है, इसको थोड़ा मैं बड़ा करता हूँ, रूट पेज का जो राउट है वो एक्चुअली ये ऐप है, ठीक है। मतलब अगर हम स्लैश फायर करेंगे तो ये रूट ऐप फायर अप हो जाएगा, और ऐप जब फायर अप होगा तो इसके अंदर जो पेज डॉट जे एस फाइल है वो रेंडर हो जाएगी। दैट मीन्स पेज डॉट जे एस से कोई मतलब नहीं राउट का, ठीक है। राउट का मतलब है हमारे फोल्डर से, ये चीज़ याद रखिएगा, यही इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे सारा काम फोल्डर का है अब लेटेस्ट वर्जन में नेक्स्ट ईयर से। पुराने वर्जन्स में फाइल का होता था बट अब फोल्डर से सब चीज़ हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको रूट के अंदर एक बनाना है, कह सकते हो राउट, या कह सकते हो एक राउट बनाना है प्रोफाइल का। सो आपको क्या करना होगा, आपको सबसे पहले चीज़ आपको क्या करना होगा यार, थोड़ा नीचे जाते हैं, आपको क्या करना होगा, आपको ऐप फोल्डर के अंदर ये है आपका ऐप फोल्डर, ठीक है। तो ये आपका रूट ऐप हो जाएगा या रूट राउट हो जाएगा। तो इस फोल्डर के अंदर आपको बनाना है प्रोफाइल वाला राउट, तो आपको एक फोल्डर बनाना पड़ेगा, फाइल से मतलब नहीं, फोल्डर बनाना होगा, और उस फोल्डर का नाम यहाँ पे आपको देना होगा, ठीक है, प्रोफाइल। बात समझ में? तो यहाँ पे फोल्डर के अंदर फोल्डर चलेगा, एंड देन जब कोई रूट मतलब ऐप को स्लैश फायर करना मतलब ऐप पे आ गए, फिर प्रोफाइल पे आने के लिए स्लैश प्रोफाइल फायर अप होगा, एंड देन आपको पेज जो रेंडर होगा वो इस वाले पेज का रेंडर होगा पेज डॉट जे एस फाइल। तो इसके अंदर जो आप कोड लिखोगे वो एक्चुअली यूजर को दिख रहा होगा, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। आ जाते हैं यहाँ पे, हम अपने ऐप पे राइट क्लिक कर दें और यहाँ पे बनाने वाले हैं एक फोल्डर जिसका नाम होगा प्रोफाइल, एंड इसको बंद कर देते हैं। इसके अंदर हम बनाने वाले हैं कौन सा, ये देखिए पेज डॉट जे एस, अगर टी एस में काम करो तो टी एस, राइट क्लिक करेंगे फाइल बना लेंगे पेज डॉट जे एस, एंड इसके अंदर लिखना क्या गाइस, थोड़ा जूम आउट कर दूँ, इसके अंदर लिखना गाइस वही है रिएक्ट का कंपोनेंट, एक फंक्शन बनाना है। तो हम कहेंगे चलो फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन नाम होगा इसका बना देते हैं प्रोफाइल, फंक्शन का नाम प्रोफाइल, फंक्शन बना तो जावास्क्रिप्ट में आता ही। अब दो इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, सबसे पहले इस फंक्शन को एक्सपोर्ट करना होगा डिफॉल्ट, तो हम इस फंक्शन को एक्सपोर्ट कर देते हैं डिफॉल्ट। आप यहाँ पे यूज़ कर सकते थे यार एरो फंक्शंस, कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। एंड यहाँ पे ये रिटर्न करेगा एक जे एस एक्स, जे एस एक्स का मतलब लिटिल बिल टाइप ऑफ HTML, ठीक है। HTML रिटर्न करेगा, वही HTML दिखेगी, तो हम रिटर्न करेंगे यहाँ पे एक जे एस एक्स मतलब एक HTML। अभी मैं HTML बोल रहा हूँ बट जे एस एक्स इज नॉट एक्चुअली HTML, जे एस एक्स कह सकते हैं कंपाइल होने के बाद HTML बनती है, बट जे एस एक्स का सिंपल मतलब होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर हम लोग HTML लिख रहे हैं, चाहे तो जावास्क्रिप्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए डिव बना दिया, डिव के अंदर हम यहाँ पे लगाएंगे H1, एंड H1 में लिख देते हैं
दिस इज प्रोफाइल राउट, सेव करेंगे। ठीक है, अब इस पेज को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, बट एक्सेस करने का सिंपल मतलब है कि ऐप को एक्सेस करने के लिए हम स्लैश लगाएंगे। तो URL भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि हम इस पेज को एक्सेस करने के लिए हम लिखेंगे स्लैश, मतलब आप ऐप पे गए, ऐप से हम आएंगे प्रोफाइल पे। तो जैसे प्रोफाइल राउट आप फायर अप करोगे, ठीक है, जैसे प्रोफाइल राउट फायर करोगे, ये page.js चल जाएगा आपके प्रोफाइल ऐप के अंदर का प्रोफाइल वाला राउट। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। सो लेट मी डू दैट, यहाँ पे आते हैं स्लैश प्रोफाइल। ठीक है, सो आप देखिए दिस इज प्रोफाइल राउट, वास्तव में मैंने जूम कर दिया। इसी तरह आप और भी राउट्स बना सकते हो, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको यहाँ पे बनाना है प्रोफाइल के बाद अबाउट का राउट, तो आप यहाँ पे जस्ट इसी का डुप्लीकेट एक और फोल्डर बना लीजिए और इसका नाम दे दीजिए यहाँ पे अबाउट, एंड पेज जब आप स्लैश अबाउट फायर अप करोगे तो पेज डॉट जेएस फाइल एग्जीक्यूट हो जाएगी। दैट मीन्स अगर हमें फायर अप करना है, अबाउट वाला पेज ओपन करना है, तो राउट चलाना है, तो यहाँ पे अबाउट फायर अप कर सकते हैं। करके दिखाता हूँ भाई, करके दिखाता हूँ, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ऐप के अंदर राइट क्लिक करेंगे, एक फोल्डर बना लेंगे अबाउट, एंड इसके अंदर पेज बनाएंगे, राइट क्लिक करेंगे न्यू और पेज डॉट जेएस फाइल, एंड पेज ही एक्चुअली होगा, एग्जीक्यूट होगा। तो हम कहेंगे यहाँ एक्सपोर्ट डिफॉल्ट एंड फंक्शन, नाम होगा इसका अबाउट। ठीक है, नाम आप कुछ भी दे सकते हो फंक्शन का, आपके ऊपर आपके ऊपर मर्जी है। हम डिप लगा देंगे, H1 लगा देंगे, एंड दे देंगे दिस इज अबाउट पेज, दिस इज अबाउट पेज, सेव करेंगे एंड देखते हैं भाई। तो हमारे पास दो राउट बन जाएंगे, एक तो स्लैश प्रोफाइल एंड एक स्लैश अबाउट। ये देखिए दिस इज अबाउट पेज। तो इस तरह से पेजेस एग्जीक्यूट होंगे, इस तरह से पेजेस बनेंगे, एंड एक्चुअली राउटिंग इस तरह से हैंडल होती है। ठीक है, नेस्टेड पेज की अगर बात करें गाइस, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग नेस्टेड पेजेस भी क्रिएट कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक नेस्टेड पेजेस का सिंपल मतलब नेस्टेड राउट की मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर हम प्रोफाइल पेज पे हैं सपोज, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस प्रोफाइल स्लैश, अगर मुझे दिखाना है दो तरह की प्रोफाइलें, एक है नॉर्मल के लिए, एक एडमिन के लिए, तो हम प्रोफाइल स्लैश अगर एडमिन की दिखानी है, तो हम एक और इसके अंदर फोल्डर बना सकते हैं, सेम स्ट्रक्चर फॉलो कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, एक और इसके अंदर हम बना लेंगे फोल्डर, ये एंड प्रोफाइल को हम लोग यूज़र या नॉर्मल दे देंगे, या एडमिन की प्रोफाइल हम लोग इसे दिखाएंगे। अब गाइज एडमिन, जब पहले तो आप स्लैश रूट पे आओगे, देन रूट से आप जाओगे प्रोफाइल पे, एंड प्रोफाइल से आप जाओगे एडमिन पे स्लैश एडमिन करके, तो एडमिन के अंदर पेज डॉट जेएस रखा हुआ पेज एग्जीक्यूट हो जाएगा। दैट सिंपली मीन्स कि हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे, ठीक है, पेज डॉट जेएस इसके अंदर भी बहुत आसानी से क्रिएट किया जा सकता है। ठीक है, छोटा हो गया बट कोई दिक्कत नहीं, आप समझ जाओगे। तो मैं बना के दिखाता हूँ, प्रोफाइल के अंदर हम लोग हैं, सो प्रोफाइल के अंदर राइट क्लिक करेंगे, एक फोल्डर बनाएंगे, एडमिन की प्रोफाइल हम लोग अलग दिखाएंगे, तो एडमिन का फोल्डर बन गया, राइट क्लिक करेंगे, एंड यहाँ भी हम पेज डॉट जेएस बना सकते हैं। इसी तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रोफाइल के अंदर नॉर्मल की, नॉर्मल यूज़र या यूज़र की अलग प्रोफाइल दिखा सकते हैं, एंड इसका हम लोग अलग पेज डॉट जेएस बना सकते हैं। ठीक है, दोनों के लिए बना लेते हैं। हम लोग कहेंगे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, एंड ये होगा यूज़र प्रोफाइल रिटर्न, यहाँ मैं लिख देता हूँ दिस इज H1 बस लगाता हूँ, दिस इज नॉर्मल यूज़र प्रोफाइल। ठीक है, कुछ गड़बड़ हो गया, आई थिंक फंक्शन लिखना मैं भूल गया, सो ये गलती कभी मत करिए आप। ठीक है, इसी तरह हम इसी को कॉपी कर दें, एंड ये है एडमिन वाला, तो यहाँ पे आते हैं, ये है एडमिन फाइल, एंड दिस इज एक्चुअली नॉर्मल यूज़र की जगह मैं एडमिन यूज़र प्रोफाइल। ठीक है, अब चलाइए। ठीक है, अब चलाएंगे कैसे, अगर आप स्लैश प्रोफाइल पे जाते हो, लेट मी डू दैट, हम यहाँ पे स्लैश प्रोफाइल पे जाते हैं, तो प्रोफाइल वाले फोल्डर के अंदर का प्रोफाइल चलेगा। ठीक है, लेकिन अगर प्रोफाइल के बाद हम स्लैश नॉर्मल या स्लैश यूज़र पे जाते हैं, तो प्रोफाइल के अंदर रखे गए यूज़र फोल्डर का पेज डॉट जेएस चल रहा होगा। दैट मीन्स अभी आप यूज़र आउट पे हो, बट अगर हम एडमिन पे आते हैं, तो प्रोफाइल के अंदर, एडमिन के अंदर जो पेज डॉट जेएस चल रहा है वो एग्जीक्यूट होगा। ये देखिए, तो इस तरह से हम पेजेस को मैनेज कर सकते हैं, इस तरह से हम पेजेस बता सकते हैं। और अभी हम फ्रंट एंड, मतलब UI कैसे जनरेट कर रहे हैं, यही हम लोग बात कर रहे हैं। एक चीज़ गाइस और मैं बता दूं, ये सारे पेजेस जो जनरेट हो रहे हैं वो बैकएंड से जनरेट हो रहे हैं, दैट मीन्स सर्वर साइड कंपोनेंट्स है। ठीक है, बैकएंड से मतलब जब रिक्वेस्ट जा रही है सर्वर से, ये कंपोनेंट्स जनरेट हो रहे हैं। ठीक है, इसीलिए इनमें हम लोग डायरेक्टली यूज स्टेट वगैरह नहीं यूज़ कर सकते हैं, दैट मीन यूज स्टेट मतलब हुक्स वगैरह नहीं यूज़ कर सकते। हुक्स यूज़ करने के लिए हमें क्लाइंट कंपोनेंट बनाने होंगे। अभी हम क्लाइंट और सर्वर की मैं बात करूँगा। ठीक है, सो हमने पेज कैसे बनाना है देख लिया। अगर अच्छा लेआउट हमने पिछले वीडियो में देख लिया, तो मैं एक बार फिर बता देता हूँ, अगर आपको कॉमन लेआउट मैनेज करना है, तो आप लेआउट फाइल यूज़ कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं यार, अभी लेआउट वाला फाइल मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए
लेआउट यार, ठीक है ये लेआउट है। तो जैसे फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कॉमन ऊपर हेडर बना रहे या ऊपर कुछ लिखा रहे और बीच के पेजेस चेंज हो, तो हम लेआउट फाइल का यूज़ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं यार ये जितना भी लोडिंग हो रही है, जितना भी लोडिंग हो रही है ये सब लोडिंग बीच में हो, ऊपर हमारे पास एक बार आना चाहिए, हेडर में बार आना चाहिए। सो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे ऐप के अंदर लेआउट के अंदर ये देखिए जितना भी पेज रूट के अंदर लोड हो रहा है या जितना भी पेज रूट के अंदर आप डाल रहे हो वो सब इस लेआउट के अंदर लोड हो रहा है चिल्ड्रन की जगह पे। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे चिल्ड्रन के ऊपर कुछ लिखेंगे तो सारा चेंजेस चिल्ड्रन ही हो रहा है, तो चेंज के ऊपर और नीचे कुछ लिखेंगे तो हमेशा लिखा ही रहेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एच में लगा देता हूँ दिस इज हेडर, तो लेआउट का डिजाइनिंग में बहुत ज़्यादा काम है। देखिए हेडर आप सेम रहेगा, बाकी आप किसी भी फोल्डर पे जाइए, एडमिन पे चले जाइए या यूजर पे चले जाइए, हेडर सेम रहेगा। देखिए या प्रोफाइल पे चले जाइए, ये देखिए हेडर सेम रहने वाला है। आप चले जाइए अबाउट पे, हेडर सेम रहने वाला है। तो लेआउट का बहुत काम है। एक्चुअली जो आपके कंपोनेंट्स है या जो कह सकते हैं कि जो सर्वर साइड कंपोनेंट्स हैं, जो राउटिंग हो रही है वो इसी चिल्ड्रन पे हो रही है, यही चिल्ड्रन चेंज हो रहे हैं। तो अगर हम ऊपर कुछ लिख दें या उसके नीचे कुछ लिख दें डिफ या H1 और यहाँ लिख देते हैं दिस इज फुटर, तो ये दोनों सेम रहेंगे, बाकी चेंज होता रहेगा आपका। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे प्रोफाइल आ गए तो ये दोनों चीज़ें बीच का चीज़ चेंज होगा। तो हमें आप फुटर बना सकते हैं, इवन हम क्या कर सकते हैं दो हिस्सों में चीज़ों को डिवाइड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने कहा चलो हम लोग क्या करते हैं एक डिप बना देते हैं एंड टिफ के अंदर दो डिप और बना देते हैं, ये होगा साइड, ये होगा H1 साइड मेन्यू और राइट में हमारा दिखेगा कंपोनेंट, तो यहाँ पे ये हमारा मेन कंपोनेंट। अब क्या होगा, अब सिर्फ इस जगह पे हमारे राउट चेंज होंगे, बाकी पेज हमारा सेम दिखेगा। ये देखिए साइड मेन्यू है, ये चेंज होगा बस। इसको हम अपने हिसाब से डिज़ाइन भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ये वाला मेन डिप है ना, इसको हम लोग क्लास लगा के फ्लेक्स लगा दें एंड फ्लेक्स लगा देंगे जैसे, तो आप देखिएगा ये देखिए साइड साइड में आ गए दोनों। अब हम यहाँ पे जस्टिफाई सेंटर यूज़ कर सकते हैं इसको बीच में लाने के लिए, ठीक है, एंड जस्टिफाई विटमिन यूज़ कर सकते हैं विटमिन में बीच में स्पेस देने के लिए, ये देखिए अराउंड यूज़ कर सकते हैं आई थिंक, और इधर उधर स्पेस देने के लिए। तो ये साइड बार है, अब यही चीज़ चेंज होगी। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ प्रोफाइल की जगह अबाउट, तो देखिए ये दिस इज़ अबाउट पेज, ये चीज़ चेंज होगी, बाकी चीज़ें सेम रहेंगी, ठीक है। सो ये बहुत तगड़ी चीज़ है यार, हम कहेंगे प्रोफाइल स्लैश एडमिन, तो ये देखिए ये चीज़ चेंज होगी, बाकी चीज़ सेम रहेगी। तो कहने का मतलब लेआउट की हेल्प से हम लोग प्रॉपरली डिज़ाइन कर सकते हैं, लेआउट मैनेज कर सकते हैं अपनी वेबसाइट का। हम चाहते हैं ये सारा पोर्शन सेम रहे, बस चिल्ड्रन की जगह पे दूसरे पेजेस आए, तो अपने हिसाब से हम लोग काम कर लेंगे, ठीक है। सो फिलहाल अभी हम लोग क्या कर देते हैं, अभी तो हम लोग इसको हेडर फुटर रख देते हैं, चाहे कहो हेडर फुटर रख देते हैं, बाकी चीज़ें हम लोग हेडर फुटर है, बाकी चीज़ें हम लोग अपने हिसाब से कर लेंगे। एडमिन हो गया, इसको हम लोग यूज़र करके भी देख लेते हैं, हाँ परफेक्ट है, ठीक है चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ओके तो ये बात हो गई, बाकी हम लोग राउट के अंदर भी लेआउट मैनेज कर सकते हैं, मतलब किसी भी राउट के अंदर हम लोग लेआउट मैनेज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि यार हम प्रोफाइल के अंदर भी लेआउट मैनेज करें, तो प्रोफाइल के अंदर भी हम लोग राइट क्लिक करके और यहाँ पे हम लोग एक फाइल बना सकते हैं लेआउट डॉट जेएस। तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना, अभी आपको रूट वाले से ध्यान हटा देना है और अब आप प्रोफाइल वाला कंपोनेंट देखिए कि प्रोफाइल कहाँ पे लोड हो रहा था। प्रोफाइल लोड हो रहा था हमारा, अच्छा यहाँ पे आ चुका, एक कंपोनेंट बना देते हैं पहले यहाँ पे हम लोग एक्सपोर्ट डिफॉल्ट एंड नाम दे देते हैं इसका फंक्शन, पहले बनाते हैं फंक्शन प्रोफाइल लेआउट रिटर्न कर देते हैं अभी ब्लैंक, ठीक है। सो ये क्या कह रहा है, रिटर्न इज नॉट डिफाइंड, अच्छा रिटर्न नहीं डिफाइंड है, तो एक डिव डाल देते हैं बस, ठीक है अभी भी कह रहा है, अच्छा रिटर्न मतलब गलत हो गया था स्पेलिंग, ठीक है अभी ठीक है। सो आप देख सकते हो यहाँ पे अभी क्या है कि हम लोग अब वही काम जो रूट के लिए कर रहे थे वही काम अब हम प्रोफाइल के लिए कर सकते हैं। दैट मीन्स हम लोग प्रोफाइल कंपोनेंट के लिए, दैट मीन्स प्रोफाइल के अंदर लेआउट है, ई लेआउट मैनेज कर सकते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे हम लोग चिल्ड्रन यूज़ कर सकते हैं और प्रोफाइल के लिए चिल्ड्रन यूज़ करने का मतलब प्रोफाइल के जो नेस्टेड राउट होंगे वो सब इस लेआउट के थ्रू मैनेज होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं H1 मैंने लगा दिया, लिख दिया दिस इज प्रोफाइल हेडर, ये प्रोफाइल हेडर है, प्रोफाइल हेडर दिख रहा है। अब क्या होगा कि हम लोग चिल्ड्रन ले सकते हैं ब्रैकेट में, मतलब एज अ प्रॉप्स चिल्ड्रन, ठीक है, एंड हम लोग चिल्ड्रन को यहाँ पे दिखा सकते हैं चिल्ड्रन,
ठीक है। सो ये देखिए, सो अभी क्या हुआ, अब ये जो चीज है वो एक्चुअली प्रोफाइल कंपोनेंट है, और प्रोफाइल में भी हेडर है, दैट मीन प्रोफाइल का जो नेस्टेड कंपोनेंट होगा, जैसे एडमिन है, राउट होगा, नेस्टेड राउट, वो अब यहां पे चेंज होगा, बाकी कांस्टेंट रहेगा उसका हेडर, बाकी हेडर कोई जरूरी नहीं है, फुटर भी कांस्टेंट करा सकते हो, एच वन दिस इज प्रोफाइल फुटर, ठीक है। ये देखिए, तो अब प्रोफाइल के लिए ये दोनों चीज सेम रहेगा, प्रोफाइल के बाद जितने भी प्रोफाइल से नेस्टेड जितने भी कंपोनेंट होंगे वो यहां पे चेंज हो, बस ये सिर्फ प्रोफाइल के लिए अप्लाइड है, दैट मीन्स ये वाला लेआउट से प्रोफाइल के लिए अप्लाइड है। जैसे हम प्रोफाइल से चलेंगे अबाउट पे, तो रूट वाला ये देखिए, रूट वाला तो हेडर है, फुटर भी है, बट प्रोफाइल वाला हेडर फुटर गायब हो चुका है, क्योंकि प्रोफाइल वाला हेडर फुटर सिर्फ प्रोफाइल के लिए, और प्रोफाइल के जितने भी नेस्टेड कंपोनेंट है, देन प्रोफाइल स्लैश अबाउट, प्रोफाइल स्लैश नॉर्मल यूजर, प्रोफाइल स्लैश एडमिन यूजर, प्रोफाइल स्लैश दिस दैट, ये सब के लिए अवेलेबल है। सो आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी एक्चुअली लेआउट का क्या मतलब है, लेआउट मैनेज करता है एक्चुअली अपने लेआउट्स को। उसी तरह हमारे पास और भी है, जैसे लोडिंग, हम चाहते हैं कि हमारा पेज सर्वर से रेंडर हो रहा है, तो पेज रेंडर होने में टाइम लग रहा है, तो हम लोडिंग दिखाएं, तो हम बिल्कुल ये loading.js फाइल बना सकते हैं। मैं आपको इसका प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल अबाउट का एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे अबाउट लोड कर रहे हैं, और अबाउट लोड होने में 2 सेकंड का टाइम ले रहा है, और हम दिखाना चाह रहे हैं लोडिंग, ठीक है। तो पहले 2 सेकंड का टाइम ऐसा करते हैं कि 2 सेकंड का टाइम ले, इसको कैसे करेंगे इस, तो हम लोग क्या कर रहे हैं यार, इसको करने के लिए अबाउट पे चलते हैं, तो अबाउट कहाँ गया, प्रोफाइल है, अबाउट है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक फंक्शन बना लेते हैं जो एक्चुअली टाइम ले एग्जीक्यूट होने में। तो हम बना लेंगे फंक्शन, और फंक्शन एक बना लेते हैं फंक्शन, इसका नाम देते हैं टेस्ट या टेक टाइम, टेक टाइम, ये फंक्शन टाइम लेगा जितना टाइम हम इसको बता देंगे, ठीक है। और ये असिंग फंक्शन होगा, क्योंकि इसके अंदर हम अवेट यूज़ करने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं अवेट, और बनाने वाले यहाँ पे प्रॉमिस न्यू, या डायरेक्टली प्रॉमिस यूज़ कर सकते हैं क्या, प्रॉमिस नहीं, आई थिंक न्यू प्रॉमिस, न्यू प्रॉमिस यूज़ करेंगे। प्रॉमिस क्या उत करता है, प्रॉमिस एक्चुअली कॉल बैक लेगा रिजॉल्व, तो हमें क्या करना है कॉल बैक से, अगर ये प्रॉमिस रिजॉल्व हो जाएगी तो रिजॉल्व फंक्शन कॉल करना है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे सेट टाइम आउट, और हम रिजॉल्व यहाँ से कॉल कर लेंगे आफ्टर 3 सेकेंड या 3 मिलीसेकंड, 3000 मिलीसेकंड्स। तो होगा क्या, ये प्रॉमिस रिजॉल्व होगी 3000 मिलीसेकंड बाद, ये प्रॉमिस रिजॉल्व होगी 3000 मिलीसेकंड बाद, लेकिन अवेट लगा, इसका मतलब ये फंक्शन एग्जीक्यूट तभी होगा जब ये प्रॉमिस रिजॉल्व होगी 3000 मिलीसेकंड के बाद, बात समझ में। तो कहने का मतलब ये फंक्शन जब कॉल करेंगे तो आगे एग्जीक्यूशन तभी बढ़ेगा 3 सेकंड के बाद, ठीक है। सो ये फंक्शन मैं यहाँ पे कॉल करने जा रहा हूँ, फंक्शन हम यहाँ पे कॉल करते हैं, हम यूज़ करते हैं टेक टाइम, फंक्शन मैंने कॉल कर लिया, ये 3 सेकंड टाइम लेगा, उसके बाद ही रेंडर होगा, दैट मीन्स ये पूरा पेज अबाउट लोड होने में 3 सेकंड का टाइम लगेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ये करने के लिए हम यूज़ करेंगे यहाँ पे अवेट, यहाँ भी यूज़ करेंगे, जिससे कि कंट्रोल नीचे ना चला जाए, सिंक्रोनस मैनर में काम हो। और अगर हम अवेट यूज़ कर रहे हैं तो अवेट हमेशा एसिंक फंक्शन के अंदर यूज़ किया जाता है, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे असिंक, एसिंक, ठीक है, दैट्स इट। तो अभी क्या होगा, अबाउट लोड ऑन होने में टाइम लगेगा, मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखिए ये देखिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, 3 सेकंड का टाइम मिलेगा, 3 सेकंड के बाद ही ये लोड होगा, मैं फिर से रिफ्रेश करता हूँ, देखा ये देखिए टाइम ले रहा है, ये देखिए। तो हम चाहते हैं कि जब तक टाइम लगे इसको लोड होने में, तब तक हम उसको लोडिंग कंपोनेंट दिखा दें, ठीक है। सो मैं क्या करूँगा, मैं एग्जैक्टली अबाउट में ही पेजेस के बगल में राइट क्लिक करूँगा और यहाँ बना लूँगा loading.js फाइल, और मैं क्या करूँगा यहाँ पे एग्जैक्टली AVI कंपोनेंट है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट नाम दे देंगे यहाँ पे लोडिंग, रिटर्न कर देंगे यहाँ पे एक डिफ, आप कोई भी UI बना सकते हो लोडिंग के लिए, आप लोडर वगैरह दिखा सकते हो, ये आपकी मर्जी भाई, बट फिलहाल मैं यहाँ पे पैराग्राफ में लोडिंग SS दिखा दे रहा हूँ, एंड आई होप कुछ गड़बड़ हो गया, फंक्शन लिखना मैं भूल गया, पता नहीं फंक्शन लिखना मैं क्यों भूल जाता हूँ। अभी क्या होगा कि अभी लोडिंग अपने आप से दिखेगी, देखिए जितना टाइम अबाउट को लोड होने में लगेगा तो लोडिंग दिखेगा, तो आपको कुछ लगाना नहीं है, बस फंक्शन फाइल बनाना, उसके अंदर एक रिएक्ट का कंपोनेंट बनाना है, दैट्स इट। जो चीज़ के लिए फाइल है वो चीज़ अपने आप से चल जाएगी, इसीलिए Next.js बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। ये देखिए मैं राइट क्लिक किया, अपने आप से लोडिंग दिख रहा है, जब आपका टाइम ख़त्म होगा, जब आपका पेज लोड हो जाएगा तो अपने आप से, ये देखिए। तो इस फाइल का भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब ये लोडिंग कब लाया गया, कैसे बना हुआ है, आप इस पर क्लिक करके देख सकते हो कि लोडिंग पे क्लिक करिए,
तो डॉक्यूमेंटेशन में आप जाके पढ़ सकते हो कि ये एक्चुअली किसका यूज़ कर रहा है, कैसे यूज़ कर रहा है। देखिए, लोडिंग फाइल कैन क्रिएट अ इंस्टेंट लोडिंग स्टेट्स बिल्ड ऑन सस्पेंस। तो ये सस्पेंस पे बिल्ड किया गया है। बाय डिफॉल्ट दिस फाइल इज अ सर्वर कंपोनेंट। तो ये फाइल सर्वर कंपोनेंट है, बट कैन ऑल्सो बी अ क्लाइंट कंपोनेंट थ्रू यूज क्लाइंट डायरेक्टिव। तो हम ये डायरेक्टिव लगा के इसको क्लाइंट बना सकते हैं। क्लाइंट टू सर्वर कंपोनेंट का सिंपली मतलब होता है सर्वर कंपोनेंट जो सर्वर से एग्जीक्यूट होंगे, और क्लाइंट का मतलब जो क्लाइंट पे एग्जीक्यूट होगा कंपोनेंट। ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, सो आप देख सकते हो ये लोडिंग इंट्रोड्यूस हुआ था 13.0 पे। ठीक है, सो 13.0 या उसके बाद वाला वर्जन यूज कर रहे हो तो आप लोडिंग वाला फाइल यूज कर सकते हो। इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो लोडिंग है या ये जो हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं वो हर एक राउट के लिए एप्लीकेबल है। दैट मीन लोडिंग आप अबाउट के लिए बना सकते हो तो अबाउट के लिए लोडिंग लगेगी, प्रोफाइल के लिए बना सकते हो तो प्रोफाइल में लगेगी, एडमिन के लिए बना सकते हो एडमिन लेवल लगेगी। ठीक है, जैसे पेजेस हर एक राउट में बना सकते हो वैसे ही लोडिंग आप हर एक राउट के लिए बना सकते हो। और अगर आपको रूट के लिए बनाना है तो आप ऐप के अंदर ही बना दो लोडिंग। जैसे आप चाहते हो रूट के लिए बन जाए तो आप यहाँ पे आओ, ऐप के अंदर ही लोडिंग लगा दो। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर और हम लोग डिटेल में बात करें पेजेस के बारे में तो हम लोग और चीज़ कैसे समझ सकते हैं। लेआउट समझिए, पेज समझिए, लोडिंग समझिए। नॉट फाउंड इज सिंपली एक्चुअली अगर आपका पेज नहीं मिल रहा है तो नॉट फाउंड एग्जीक्यूट हो जाता है और वहाँ पे आपको नॉट फाउंड की ईवाई दिखती है। एरर पेज, अगर कोई एरर आ रहा होता तो एरर पेज दिखता है। ग्लोबल एरर, ग्लोबल एरर के लिए। राउट एपीआई बनाने के लिए, टेम्पलेट, टेम्पलेट्स को बनाने के लिए। देखा, री रेंडर्ड लेआउट करने के लिए, डिफॉल्ट पैरेलल राउट फॉलबैक पेज के लिए। ठीक है, सो मैं एरर एक दिखाना चाहूँगा, बाकी हम लोग समझ लेंगे जब प्रोजेक्ट बनाएंगे। आई थिंक आप समझ गए, वीडियो भी आई थिंक लंबी हो रही है काफ़ी, तो हम लोग एरर पेज एक बना लेते हैं, दिखाता हूँ मैं। सपोज हमारे पास एक अबाउट में एक एरर पेज है, एरर डॉट जी एस फाइल, एंड ये भी एक डिफॉल्ट हमारा एक्सपोर्ट डिफॉल्ट एरर पेज है, एरर पेज रिटर्न कर रहे हैं हम लोग। यहां से हम लोग लिखेंगे एरर हैज अकर्ड, या एरर ऐसा लिख देते हैं कुछ इसमें, एरर इज कमिंग इन अबाउट राउट। ठीक है, और फंक्शन लगाना मैं फिर से भूल गया हूँ, तो मैं फंक्शन लगा देता हूँ, सेव कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या होगा कि अगर अबाउट राउट पे कोई एरर आएगी तो ये अपने आप से एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एरर कैसे आ सकती है, जैसे हम ये पेज रेंडर कर रहे हैं और हो सकता है कि यहाँ पे कोई एरर आ जाए, तो एरर लाएंगे कैसे, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जानबूझ के एरर थ्रो करते हैं, थ्रो न्यू एरर। ठीक, लिख देते हैं दिस इज मैनुअल एरर। ठीक है, सेव करेंगे एंड आएंगे यहाँ पे, तो आप देखोगे। ठीक है, जैसे अबाउट पेज रेंडर कर रहे हैं तो कुछ दिक्कत हो रही है आई थिंक, पहले यहाँ पे देख लेते हैं क्या गड़बड़ हुआ पहले। ओके, सो हम लोग क्या करते हैं, एक काम करते हैं, इस एरर को यहाँ ना थ्रो करके यहाँ पे थ्रो करते हैं, देखते हैं। ठीक है, ठीक है, और पेज को रेंडर करने के लिए देखते हैं, मैंने रिफ्रेश कर दिया, हो सकता है टाइम ले रहा, ऑब्वियसली बात टाइम ले रहा था। ठीक है, एंड दिक्कत हो रही है कह रहा है फंक्शंस। ओके, सो इस एरर पेज में हमें कुछ पैरामीटर्स भी पास करने होते हैं, अभी मैं आपको दिखा भी दूंगा। ये एरर पेज दो चीज़ लेता है, दो प्रॉप्स हैं इसके पास, एक है एरर इट्सेल्फ और एक है रीसेट फंक्शन, एक है रीसेट, रीसेट फंक्शन। ठीक है, सो अभी आप देखिएगा, मैं रिफ्रेश करता हूँ, अभी भी कुछ कह रहा है ये, लेट मी सी, ये कह रहा है फंक्शन कैन नॉट पास डायरेक्टली टू, अच्छा जो एरर पेज वाला कंपोनेंट होगा वो क्लाइंट कंपोनेंट होगा, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे इसको, यूज़ क्लाइंट डायरेक्टिव, जिससे ये क्लाइंट कंपोनेंट बन जाए। ठीक है, सो अभी आप देखिए, मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए, ठीक है, लोड हो रहा है। अब जैसे एरर आएगी तो आप देखिए, ये देखिए, एरर इज़ कमिंग इन अबाउट राउट, तो अबाउट राउट में एरर आ रही है, और ये हमारा जो आउटपुट आ रहा है वो आउटपुट आ रहा है हमारे इस एरर डॉट जेएस, एरर इज कमिंग इन अबाउट राउट। बाकी आप अपने हिसाब से जो भी करना चाह रहे हो लिख सकते हैं, यहाँ पे लॉरम 50 टैक्स लिख देता हूँ यार। ठीक, देखिए देखिए देखिए, ये देखिए, ठीक है। सो आप कह रहे हैं मतलब आप इस हिसाब से आप एरर्स को भी कस्टमाइज करके दिखा सकते हो, कि अगर डायनेमिक एरर कोई आ जाए तो आप एरर डॉट जेएस पेज बना दो और आपका काम हो जाए। ठीक है, तो ये है राउट के लिए, राउट स्पेसिफिक कह सकते हैं। अगर सबके लिए करना है तो आप ऐप रूट ऐप के अंदर ही बना दो, वो सारे राउट के लिए चलेगा। बाकी आप राउट स्पेसिफिक भी काम कर सकते हो, ये आपकी मर्जी कैसे काम करना है।
आई होप आप समझ गए होंगे बेसिक चीज़ें हम लोगों ने सीख ली कैसे करना है। हम लोगों ने देखिए लेआउट सीख लिया, पेज सीख लिया, लोडिंग सीख लिया, नॉट फाउंड ही सीख लिया, आप बना के थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा, एरर सीख लिया, राउट मैं बताऊंगा जब एपीआई पढ़ाऊंगा। एपीआई अभी बैकएंड की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में, तो हम बताएंगे कि राउट एक्चुअली एपीआई क्रिएट करने के लिए है। और सबसे तगड़ी चीज़ नेक्स्ट में एपीआई बहुत आसानी से क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, टेम्पलेट डिफॉल्ट, बाकी फोल्डर बनाना आ जाता ही है, बाकी ये सब डायनेमिक राउट्स वगैरह हम लोग सीखेंगे बाद में। सो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि इस वीडियो में हम लोगों ने पेजेस कैसे क्रिएट करने के सीखा, लेआउट, लोडिंग, एरर, ये सब चीज़ें सीख ली है जो हमारी हेल्प करेगी आगे अपकमिंग वीडियोस में। ओके तो मैं तो रिकमेंड करूंगा गाइस कि आप क्या करो, आप थोड़ा सा इस पेज को और जो भी दिक्कत हो रही है डॉक्यूमेंटेशन से रेफर करो, वीडियो को देखो, एंड आई होप आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। अगर आप वीडियोस को फॉलो कर रहे हो, मज़ा आ रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में आप कहां से अपना नाम लिखना मत भूलिएगा। और भाई आप सारी वीडियोस फॉलो कर लिए कि नहीं फॉलो कर लिए, अपना नाम बिल्कुल कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिए, और बताइए भी कि आपको मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ध्यान रखिए, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।